हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि ECC का विड्रॉल लाइव हो चुका है। आप अपना ECC क्वाइन अपने ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद पैनकेक स्वैप पे आप मार्केट प्राइस पे जब चाहे उसको स्वैप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी खुद की चॉइस होगी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ECC क्वाइन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करना होगा। उसके लिए आपको ECC का कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। ये ECC क्वाइन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको कॉपी करना है और ट्रस्ट वॉलेट में उसको ऐड कर देना है। तो आइए चलते हैं हम ट्रस्ट वॉलेट में, तो देखते हैं किस तरह से इसको हम ऐड कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ साइड में आपको एक आइकन दिखता है जहाँ से आप टोकन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी टोकन्स आपको यहाँ शो कर रहे हैं सबसे नीचे लास्ट में चले जाइए। लास्ट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है ऐड कस्टम टोकन, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड कस्टम टोकन पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुला, यहाँ पर आपको नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए इथेरियम नेटवर्क है, इसको आपको क्लिक करके BSC स्मार्ट चेन में चेंज कर देना है। ये स्मार्ट चेन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेटवर्क को चेंज कर देना है। इस तरह से नेटवर्क यहाँ चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला जो कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने कॉपी किया था उसको आपको इस कॉन्टैक्ट एड्रेस वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है। नेम में आपको ECC लिखना है, सिंबल में भी ECC लिखना है और डेसिमल में 8 लिखना है। हम आपको एक बार इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया। नेम में हमने ECC लिख दिया, सिंबल में भी हमने डाल दिया ECC और डेसिमल में 8। ये डाटा फिल करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका जो है वो ECC क्वाइन आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। वापस आप जब वॉलेट में आएंगे चेक करेंगे तो ये देखेंगे ECC आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, BEP 20। फिर आपको वापस इस ECC पे क्लिक करना है और यहाँ से रिसीविंग एड्रेस आपको उठाना है। तो रिसीविंग एड्रेस पे आपने क्लिक किया और इस एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। अब इस एड्रेस को आपको अपने ईथर कनेक्ट की वेबसाइट में, अपने बैक ऑफिस में, वहाँ वॉलेट में अपडेट करना है। आइए हम ईथर कनेक्ट पे चलते हैं। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको अपने ईथर कनेक्ट की ID ओपन करनी है। मैंने लॉगिन किया और सबसे पहले आपको अपना वॉलेट अपडेट करना है जिसमें आपको विड्रॉल चाहिए। तो मेनू ऑप्शन आप ओपन करेंगे और अकाउंट का एक ऑप्शन दिया हो उसमें जाएंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आता है अपडेट वॉलेट, तो आपको अपडेट वॉलेट करना है। जैसे ही आपने अपडेट वॉलेट किया तो आपके पास वॉलेट अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। हमने अपडेट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ECC वॉलेट एड्रेस BSC यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने BSC स्मार्ट चेन पे ECC को ऐड किया है उसका रिसीविंग एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी करके और अपडेट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करके अपडेट करते हैं एक OTP आपके मेल पे जाएगा, उसको वेरीफाई करते ही ये आपका वॉलेट जो है वो अपडेट हो जाता है। वॉलेट अपडेट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको विड्रॉल पे जाना है। आप देखेंगे यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। जब आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके पास ECC बैलेंस होता है वो शो करता है, क्योंकि हमने विड्रॉल ले लिया है इसलिए मेरा बैलेंस नहीं दिखा रहा है। और वो जो आपको विड्रॉल करना है वो बैलेंस आपको यहाँ फिलअप करना है और सीधे विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है, मिनिमम आप 50 ECC का विड्रॉल ले सकते हैं। अगर इससे कम ECC आपके पास है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपके पास बैलेंस 50 ECC मिनिमम हो तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर वही OTP वेरिफिकेशन होगा जो मेल पे जाएगा, और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं आपका विड्रॉल सबमिट हो जाता है और कुछ देर बाद आपको ये रिसीव हो जाता है। इसको चेक करने के लिए आप ऑपरेशन हिस्ट्री में जा सकते हैं। वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पे ECC विड्रॉल हिस्ट्री एक नया टैब ऐड हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको वो विड्रॉल की हिस्ट्री शो करता है। ये देखिए हमने हमारा 18 तारीख की डेट का ECC का विड्रॉल है, ये एड्रेस शो कर रहा है और 827 ECC हमने विड्रॉल किया था, एक चार्ज कट गया है और 826 हमें रिसीव हुआ है, ये विड्रॉल सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट में भी जाके कि क्या ये सही है। तो हमने यहाँ पे ECC पे आए, ECC पे हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारा 826 ECC का विड्रॉल यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस तरह से आप अपने ECC क्वाइन को विड्रॉल करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं और जब आपको लगे कि आप
उसको सेल करना चाहते हैं तो पैनकेक स्वैप पे जाके उसको स्वैप करके आप सेल आउट कर सकते हैं। वो किस अमाउंट पे सेल करना है ये आपकी खुद की चॉइस होगी।